और इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां एलजी को केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी अब केजरीवाल मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम पद से केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा, तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एलजी को केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंप कर वो बाहर निकले हैं। तो अब सीएम पद से केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं और अब दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी संभालेंगी। सीएम पद से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तो कैबिनेट के जो तमाम मंत्री थे वो भी पहुंचे थे एलजी आवास। 4:30 बजे का वक्त एलजी विनय सक्सेना ने दिया था। और इन सबके बीच अब ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जहां सीएम पद से केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, एलजी को केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है। मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहेंगे अरविंद केजरीवाल, अब वो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम पद से केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर आतिशी बैठेंगी। और ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस्तीफे के बाद जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। आतिशी, जिन्हें अब जिम्मेदारी दिल्ली की संभालनी है, वो भी मौजूद हैं। और बस सबसे कुछ ही वक्त बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, आतिशी की तरफ से। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है एलजी को। और हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, इस वक्त क्या कुछ स्थितियां, अब एलजी को इस्तीफा सौंप दिया गया? देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल तो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उनके कैबिनेट के जो बाकी सदस्य हैं वो फिलहाल गेट पर मौजूद हैं। संभवतः है, मीडिया से कुछ जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर हो और उसके बाद फिर अपनी बात जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो रखें कि आगे का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके की आगे की रणनीति होगी। फिलहाल देखिए, सचिवालय के गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। संभवतः वो कुछ ही सेकेंड में मीडिया से बातचीत करेंगे।